हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ट्रेड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको अमेजिंग टेक्निकल वीडियोज। सो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में सर्च करते हैं styler.ai। टॉप पर ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे आपने इस AI टूल के बारे में कहाँ से सुना है और आपका क्या प्रोफेशन है। इसके बाद स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसका ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 2D से 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पिकाचू की इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस इमेज को ओपन करेंगे। अब ये इमेज लोड हो रही है। अब जब ये इमेज लोड हो जाएगी तो यहाँ पे 3D रेंडरिंग वाला मॉडल सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो आप रियलिस्टिक वाला मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी रियलिस्टिक इमेज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं या फिर आप ऑटो प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप ही प्रॉम्प्ट को जनरेट कर देगा। इसके बाद आप चाहें तो कलर मैच जैसे फीचर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि इस इमेज से मिलते जुलते कलर ही मैच हों। इसके बाद आप स्टेलाइज करेंगे तो यहाँ पर इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि आप इन्हें अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगी, बट मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये इमेज प्रोसेस हो रही है और इस इमेज का फाइनल रिजल्ट बनकर ये आया है। ये एक रियलिस्टिक 3D इमेज है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों, आप चाहें तो इन इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इस टूल के ज़रिए कोई भी इमेज को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप फोटोशॉप के ज़रिए इस वाटरमार्क को हटा सकते हैं। आप सबसे पहले इस मार्की टूल से एरिया को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फिल वाले ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर आप कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट कीजिए और कलर अडेप्टेशन वाले ऑप्शन पे चेक मार्क लगा दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर वो जो वाटर मार्क था वो रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।